शिव भैया भूल जा उसे बाबू भूल जा, वो एक छलावा जो तेरे रास्ते में रुकावट बन रही है। जब से तू पैदा हुआ रिश्तों के मोह से दूर रहा, क्योंकि बचपन से आज तक बाबू ने सिर्फ एक ही रिश्ते को अमल किया है, रुपयों का रिश्ता, अपने धंधे का रिश्ता। और हमारे धंधे का उसूल कहता है कि तूने उस लड़की की सुपारी ली बाबू, तुझे हर कीमत पर उसे उसके अंजाम तक पहुंचाना ही होगा, तुझे उसे मारना ही होगा बाबू, तुझे उसे मारना ही होगा, तुझे उसे मारना ही होगा, तुझे हर कीमत पर उसे उसके अंजाम तक पहुंचाना होगा, तुझे तुझे उस लड़की को। रुक जा बाबू, मत पड़ा अपने कदम उस तरफ जहाँ खुदगर्जी और नफरत का दलदल ही दलदल है। सरा सोच बाबू, आज तक तुझे किसी ने भैया कह के पुकारा है? तूने जिस जुर्म की दुनिया के साथ अपना रिश्ता जोड़ लिया है, उस दुनिया से अलग भी एक दुनिया है जहाँ माँ होती है, बहन होती है, प्यार होता है, नफरत और खुदगर्जी नहीं होती। सब बकवास, सब बकवास, सब बकवास, सब बकवास। होगी ऐसी कोई, होगी ऐसी कोई बाबू, ऐसी कोई दुनिया को नहीं जानता बाबू। जिस दुनिया बाबू जीता हुआ है वो जुर्म की दुनिया, जुर्म की दुनिया। और बाबू उस दुनिया का बादशाह है। मेरा काम है कत्ल कर, मेरा धर्म है कत्ल कर, मेरा उसूल है कत्ल कर। और बाबू अपने बाबू के साथ कभी कोई समझौता नहीं करता। हाँ, बाबू अपने उसूलों के साथ समझौता नहीं करता। आई एम अ किलर, आई एम अ किलर। सुहानी, तुझे मरना होगा, तुझे मरना होगा सुहानी।
भैया राजीव भैया, मैं किसी का भाई नहीं हूं, मैं तुम्हें मारने आया हूं। तो फिर मारो ना, मैं तो तुम्हारे सामने खड़ी हूं। रुक क्यों गए? मारो मुझे। मुझे मारने के लिए तो तुम्हें पैसे दिए गए होंगे ना? हाँ, पर मैं जानती हूं कोई भी भाई अपनी बहन का हत्यारा नहीं हो सकता। किसी का भाई नहीं हूं मैं। तो फिर नजर क्यों झुके तुम्हारी? हाँ, हाथ क्यों थम गए तुम्हारे? देखो, भगवान ने तुम्हें मेरे भैया की सूरत दी है और हालात ने तुम्हें ऐसी सीरत दी है कि जिससे तुम्हें हथियार उठाना पड़ा। फेंक दो हथियार भैया, फेंक दो ये हथियार, क्योंकि ये हथियार सबके विनाश का कारण बनता है। और तुम विनाश का कारण मत बनो भैया, मत बनो। अरे सुहानी, तू किससे बात कर रही है? यही है वो, तू ही है वो हत्यारा, तू ही है वो हत्यारा। राजा, पुलिस को बुला। मां सुहानी, यही है वो हत्यारा, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। सुहानी, उसे रोके। राजा, पुलिस को बुला। राजा, वो हत्यारा जा रहा है। राजा, राजा इसे पकड़ ले। राजा, यही है वो हत्यारा, मेरे बच्चे को मारना चाहता है। राजा भैया, यही था जो ऊपर आ रहा था। हाँ, यही था। राजा, पुलिस को बुला। राजा, बात तो सुनो मां। सुहानी, राजा ने, राजा इसे पकड़ ले। नहीं राजा, डाल दे भाई। बहुत तड़पा है तूने सुहानी को। उसे कुछ मत करना राजा। मां, बहुत तड़पा है तूने मेरे को और सुहानी को। नहीं राजा, सुनो मेरी बात, आगे मत बढ़ना, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। तुम अगर आगे बढ़े ना तो तुम्हें मेरी लाश पर से गुजरना होगा। नहीं, तुम भाग जाओ। जाओ, हत्यारे को अपने भाई का नाम दे रही है। ये तेरा भाई नहीं सुहानी, ये है तेरा भाई। और जिसे तू बचाने की कोशिश कर रही है ना, वो एक हत्यारा है। हत्यारा है, आई बात समझ में? हत्यारा है। अंधेरे में जो छुप कर बैठते हैं उन्हें कामयाबी की रोशनी छूती तक नहीं है। जैक्सन, तुम बाबू कहाँ है? मैडम, बाबू अब तक लौट के नहीं आए। तो फिर कब आएगा वो? सुहानी की एक एक सांस मुझे बेचैन करी है। मुझे उसके जिंदगी का एक एक दिन, सालों का इंतजार का सिला दे रहा है मुझे। मुझे सुहानी की मौत चाहिए, मौत। बाबू इसे इरादे से निकला मैडम, और मैं जानता हूं बाबू का इरादा पहाड़ की तरह अटल होता है। बाबू का अटल इरादा मैं देख चुकी हूं। बाबू ने मुझे सुहानी के मौत की तारीख कल की दी थी, अभी तक तो कोई जवाब नहीं आया। मिल जाएंगे मैडम, सुहानी की मौत की खबर बहुत जल्द आपको मिल जाएगी।
और मुझे यकीन है बाबू अब तक अपने काम को अंजाम दे चुका होगा। मुझे भी उस खबर का इंतजार रहेगा, क्योंकि मैंने सुना है तुम्हारी दुनिया में जुबान की बहुत बड़ी कीमत होती है, और मैंने तुम्हारी जुबान की कीमत एडवांस में दी है। ओके कैसे नकार दूं भैया, उस रात मैंने आपकी आवाज सुनी थी और फिर वही आवाज हूबहू चेहरा लेकर मेरे सामने आ गया। कैसे नकार दूं मैं कि वो चेहरा तुम्हारा नहीं है? कैसे मान लूं मैं कि वो तुम नहीं हो? सुहानी, कब तक अपने भाई की तस्वीर के सामने ऐसी खड़ी रहेगी? जब तक मुझे मेरे सवालों का जवाब नहीं मिलता माँ। क्या जवाब चाहिए तुझे बता, मुझे क्या जवाब चाहिए? यही कि वो शैतान तेरा भाई है? नहीं सुहानी, वो शैतान है, रावण है, रावण। माँ, जिस रावण की तुम बात कर रही हो ना, उस रावण का चेहरा मेरे भैया से मिलता है। बेटा, इंसान की पहचान उसकी सूरत से नहीं, सीरत से होती है। सीरत तो खुद इंसान बनाता है ना माँ, और सूरत भगवान। और जिसे तुम हत्यारा कह रही हो, वो तो भगवान ने दी हुई शक्ल लेकर हमारे सामने आया है। अब वो सूरत भैया जैसी है, इस बात से तो तुम भी इनकार नहीं कर सकती। मैं इनकार करती हूँ, मैं बिल्कुल इनकार करती हूँ। अगर शैतान भगवान का रूप लेकर आ जाए तो वो भगवान नहीं बन सकता, शैतान शैतान ही रहेगा। माँ, तुमने ही तो कहा था कि जब धरती पर अन्याय बढ़ता है तो भगवान कोई ना कोई रूप लेकर हमारे सामने आ जाते हैं। क्या पता उस परछाई के पीछे भैया का कोई रूप ही छुपा हो। ये तेरा भरम है सुहानी, जो तू उस कातिल को अपना भाई समझ रही है। बेटा, मैंने उसकी आंखों में वैशीपन देखा है, हैवानियत देखी। मुझे तो कहीं से भी वो मेरे बेटे का आभास नहीं देता। लेकिन वो मुझे मेरे भैया होने का आभास देता है माँ। सुहानी, तो भूल कर रही है। नहीं माँ, भूल दिमाग करता है, दिल नहीं। और मेरा दिल कहता है कि उस चेहरे के पीछे मेरे भाई का चेहरा छुपा है। बस कर सुहानी, बस कर। मैं अपने बेटे का अपमान और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो फिर मैं भी अपने भैया का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती माँ। तुमने नहीं देखा है माँ, मैंने देखा है, और उसमें मुझे भैया का अक्स दिखाई पड़ा। माँ, तुमने तो सिर्फ उसकी ऊपरी शक्ल देखी है जिसमें तुम्हें हैवानियत नजर आई। मैंने तो भैया की परछाई देखी, उसमें मुझे भैया की आत्मा की मौजूदगी को एहसास मैंने किया है। और मैं ये कतई मानने को तैयार नहीं हूं कि जिसमें मेरे भैया का अक्स हो वो हत्यारा है। नहीं माँ। हेलो सुहानी, करण बोल रहा हूँ। एक्चुअली मन तुम्हारी आवाज सुनने के लिए तरस रहा था, इसलिए तुम्हें फोन किया। हाउ आर यू? जी मैं क्या हुआ सुहानी, तुम इतनी सहमी सी क्यों? कहीं फिर उसने तुम्हें अटैक तो नहीं किया? आर यू ओके, तुम ठीक तो हो ना? कहो तुम, मैं आऊ? नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। तुम्हें कुछ हो भी नहीं सकता क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। जी ठीक है, मैं ना सही, लेकिन मेरा एहसास तुम्हारे इर्द गिर्द है, एंड आई एम श्योर तुम्हें वो महसूस भी होता होगा। सर मैं वो तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं,
क्योंकि तुम्हारी खामोशी सब कुछ कह जाती है। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी खामोशी चुपके से मेरे कानों को सहला रही है और मैं बोलता चला जा रहा हूं, बोलता चला जा रहा हूं, बस बोलता चला जा रहा भाई। एकदम पक्का खबर लेके आले भाई, वो बाबू है ना साला इन दिनों मुंबई में है। और भाई ये भी सुना मैंने वो बहुत बड़ा सुपारी उठाया भाई। बाबू मुंबई में? बाबू द इंटरनेशनल किलर? ओ तो वो इंडिया आया हुआ है। हाँ मैडम, बाबू इंडिया आया हुआ है। और मुझे यकीन है मैडम कि सुहानी पर जो भी हमले हो रहे हैं ना वो भी कोई और नहीं बाबू ही कर रहा है। तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? मैडम बाबू की एक अलग सी स्टाइल है, वो कभी भी अपना चेहरा किसी को दिखाता नहीं है, हमेशा किसी ना किसी भेस में या फिर मास्क पहन कर रहता है। इसका मतलब उसकी कोई पहचान नहीं, राइट? अगर अपन कहता है मैडम यही तो उसकी पहचान है। हा? और इस बार उसने एक मास्क पहना है, एक डरावना सा मास्क। हाँ राजा, मैंने देखा था उस दिन सुहानी को पार्टी में जो चिट्ठी मिली थी उसमें ठीक ऐसा ही एक नकाब बना हुआ था। हाँ, और उसी नकाब के जरिए हम लोग उस तक पहुंच सकते हैं। राजा ही इज अ डेंजरस किलर, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, तुम्हारी जान भी जा सकती है। जाएगी, जान जाएगी, लेकिन पहले उसकी जान लेकर। तौबा 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 तौबा, मैडम मैडम, जान तो लेने को मना किया है सुहानी ने। सुहानी ने मना किया? लेकिन क्यों? आखिर सुहानी को उसके साथ इतनी हमदर्दी क्यों है? अरे मैडम ये सुहानी है ही चैसी, जानते हो क्या बोलती है? वो जो किलर है ना उसकी शक्ल उसके भाई राजीव से मिलती है। अब बताइए, वो शाना अगर चाहे ना तो अब उसकी जान भी ले सकता है और ये सुहानी उस पर आज भी नहीं आने देगी। अरे मैडम तुमको क्या बोलूं मैं, अभी कल तो मेरे हाथ भी लग गया था मैडम वो, लेकिन ये सुहानी की वजह से भाग गया। सुहानी की वजह से? What do you mean? ओ मैडम, ये इतना बड़ा रामपुरी लेके आया था, इतना बड़ा। अरे मैंने और मेरे पंटर ने तो उसको घेर भी डाला था, लेकिन लास्ट मोमेंट पे सुहानी बीच में आ गई और भगा दिया उसको। आखिर सुहानी उसे क्यों बचाना चाहती है? सिर्फ इसलिए कि उसकी शक्ल। शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब आवर डिजिट्यूब।